गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट वी आर डूइंग द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. इन माय लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन द डाई नाइट्रोजन गैस, दैट मीन्स N2 गैस. जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है कि हम इसमें नाइट्रोजन के तीन ही कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, एक डाई नाइट्रोजन, एक अमोनिया और एक नाइट्रिक एसिड, जिसमें हम इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को डिस्कस करेंगे. फॉस्फोरस के कंपाउंड अब हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है. तो अमोनिया प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. सबसे पहले अमोनिया, यू शुड नो अमोनिया इज NH3. NH3 मीन्स हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये रिएक्शंस आती हैं. अमोनिया को हम बहुत सारे तरीक़ों से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं. जैसे जिसमें सबसे पहली मेथड है हीटिंग अमोनियम सॉल्ट. अमोनियम का कोई भी सॉल्ट अगर उसको आप हीट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सल्फेट फॉस्फेट दिए हैं, आप अमोनिया के किसी भी सॉल्ट को अगर हीट करेंगे तो NH3 उसमें प्रोड्यूस होगी. किसी भी अमोनियम सॉल्ट को आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तब भी उसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं. जब हमने कैटायन एनालिसिस किया तो हम सबसे पहला टेस्ट करते हैं अमोनियम का, और कोई भी जो हमें सॉल्ट गिवन हो उस सॉल्ट में हम क्या करते हैं, NaOH डाल के उसको हीट करते हैं. NaOH डाल के हीट करने पर उसमें अमोनिया की स्मेल आती है, अमोनिकल स्मेल आती है. आपको ध्यान होगा क्लास 11th में हमने किया था, अमोनिकल स्मेल आती है. फिर उसमें हम वो Cl में, HCl में एक रॉड डिप करके लगाते हैं, NH4Cl बनता है. तो आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट को, अमोनियम क्लोराइड हो, अमोनियम कार्बोनेट हो, अमोनियम फॉस्फेट हो, ऑक्सलेट हो, सल्फेट हो, किसी भी अमोनियम सॉल्ट पे अगर आप NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होती है, ठीक है. तो इन्हीं को हम रिएक्शन के टर्म्स में पढ़ते हैं. नेक्स्ट आप इसको वन बाय वन करके लिख सकते हो. यह है अमोनियम सल्फेट, इसको हम हीट करते हैं, NH3 फॉर्म होता है, बाकी H2SO4 निकल जाएगा. अमोनियम फॉस्फेट को हीट करेंगे, NH3 निकला और फॉस्फोरिक एसिड निकल गया. तो इसी तरीके से सारे जो सॉल्ट हैं उनको अगर हम हीट करते हैं तो हमें अमोनिया गैस मिलती है. इसमें से फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों रिएक्शंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके बोर्ड में पूछी जाती हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम सल्फेट गेट हीटेड या अमोनियम फॉस्फेट गेट हीटेड, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आती है इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. अमोनिया की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं हेबर्स प्रोसेस से, क्लास 10th से हम पढ़ते आए हैं इसको. हमने 11th में भी इक्विलिब्रियम में बहुत बार पढ़ा इसको, कि अमोनिया को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसके हम करते हैं बाय N2 एंड 3H2. N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और इसमें हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं और 673 केल्विन टेम्परेचर. आपको अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर थोड़ा बहुत ध्यान होगा तो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको बहुत डीपली पढ़ा था कि ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना लिया है, 673 केल्विन. इस रिएक्शन के लिए कैसा टेम्परेचर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल. ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक मीन्स इसमें हीट रिलीज होती है. तो अगर हम टेम्परेचर को इनक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा. इसके लिए ये वाली जो रिएक्शन है, NH3 का अगर प्रोडक्शन हमें ज़्यादा चाहिए तो टेम्परेचर हमें क्या करना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा. बट 673 केल्विन मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम मिनिमम टेम्परेचर, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर लेते हैं 673 केल्विन. प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर अमोनिया के प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा. बिकॉज प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि इक्विलिब्रियम में अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करती है जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं.
वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। तो अब आप देखेंगे रिएक्शन में कि प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सो फॉर द बेस्ट यील्ड ऑफ NH3 वी हैव टू टेक हाई प्रेशर। सो वी विल टेक इट एज 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो हैबर्स प्रोसेस से इस तरीके से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी अमोनिया की। इट इज़ ए पंजेंट स्मेलिंग गैसेस। जैसे आपको पता है कि अमोनिया की स्मेल आती है तो बहुत पंजेंट होती है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि अमोनियम के जितने भी सॉल्ट होते हैं बहुत पंजेंट होते हैं। सबसे पहले आईज पे एकदम असर करते हैं। अमोनिया को अगर आप सूंघ लेंगे तो आपकी आंखों से पानी आने लगेगा। पंजेंट स्मेलिंग गैस है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। और NH4OH जिसको अमोनिया वाटर भी हम कहते हैं वो फॉर्म होता है। लाइटर देन एयर है, तो जैसे ही अमोनिया गैस रिलीज होती है तो सीधे ऊपर की तरफ राइज करती है। इट टर्नड रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, शोइंग इट्स बेसिक नेचर। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि NH3 जो है वो बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और ड्यू टू टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन, इसलिए बेसिक है। और प्रैक्टिकली हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़े बहुत क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे फेरिक मेटेलिक सॉल्ट कोई भी है FeCl3 SnCl2 किसी के साथ भी रिएक्ट करके ये FeOH होल थ्राइस और NH4Cl फॉर्म करता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप रिएक्शन को ठीक कर लीजिएगा, इट इज़ NH4Cl। ठीक है, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है। NH3 एक्ट एज लुईस बेस, ये तो आपको पता है कि NH3 लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। बट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है गिव अ रिएक्शन टू सपोर्ट दैट NH3 एक्ट एज लुईस बेस। तो आपको एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि NH3 लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो कॉपर हाईली मेटेलिक करेक्टर है, NH3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है CU को। ठीक है, नेक्स्ट हेलोजन Cl2Br2 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। और एक ये इम्पॉर्टेंट है, N2 के साथ अगर NH3 की रिएक्शन हम कराते हैं तो एक्सप्लोजिव फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं NCl3। नाइट्रोजन के जनरली बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एज ए एक्सप्लोजिव यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा आयोडीन के साथ ब्राउन PPT, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे आते हैं इससे। इससे आगे हम बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ अमोनिया ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है नेम द कंपाउंड विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ या रेफ्रिजरेंट या डीप फ्रीजर, दैट इज़ अमोनिया। ठीक है, तो इसके आगे कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको बता देती हूँ जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनके क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लिखिएगा। व्हाई डज NH3 एक्ट एज लुईस बेस? जब लुईस बेस की बात है तो आपको लोन पेयर देना पड़ेगा। लुईस बेस एक्ट करता है बिकॉज इट हैज़ लोन पेयर विच आर इजीली अवेलेबल। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ NH3। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हैबर्स प्रोसेस की, तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा। हाउ इज़ NH3 मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली, हैबर्स प्रोसेस को लिखना है। वाई NH3 फॉर्म H बॉन्ड बट PS3 डज नॉट? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है NH3, PS3 फॉर्म नहीं करता, जस्ट बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सो नाइट्रोजन हैज हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन PH3। ठीक है, तो इनको आप कंप्लीट करेंगे। बस एक और कंपाउंड हमारा रह गया है नाइट्रिक एसिड, फिर हमारी 15th ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।